नमस्कार दोस्तों, वैदिक फाइट के इस YouTube चैनल पर मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे 7 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में सोलर प्लांट स्थापित किया है और रेलवे ओवरहेड लाइन को सीधे बिजली की आपूर्ति करने वाला दुनिया का पहला संगठन बन गया है? तो ये बना है, ये प्लांट स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? तो 1.7 मेगावाट पावर की ये पावर प्लांट लगाया गया है बीना डिस्ट्रिक्ट में। और ये भारतीय रेलवे मिल्की भेल के साथ ये इस दोनों का भागीदारी करके ये काम हुआ है। और भारत इंडियन रेलवे का टारगेट क्या है? तो इंडियन रेलवे का टारगेट है 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन बनने का। नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है भारतीय रेलवे का 2030। और ये सोलर प्लांट का काम क्या होगा? ये सोलर प्लांट से जो डीसी करंट जनरेट होगा उससे ये एसी करंट में कन्वर्ट करेगा ये सोलर प्लांट। और भेल के एमडी है नलिन सिंगल। डिजिटल सुरक्षा संवर्धित वास्तविकता पर पाठ्यक्रम के लिए सीबीएसई के साथ कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साझेदार बना है? ये साझेदार बना है फेसबुक। किस आईआईटी में डीआरडीओ भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा? ये करेगा आईटी हैदराबाद में। और डीआरडीओ का मोटो क्या है? यह है संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम। और डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 117। इसमें नंबर वन कंट्री कौन है? यह है स्वीडन। और अगर पूछा जाए कि यूएन का कितने टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो यह है 17। और यूएन में टोटल 193 मेंबर कंट्री है। 193। इनफॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 31। इसमें नंबर वन कंट्री है सोमालिया। SBM बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बैंक न्यूज में क्यों थी? क्योंकि SBM बैंक इंडिया ने मास्टर कार्ड के साथ करार किया है कि रियल टाइम में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। तो इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशस के राजधानी पोर्ट लुइस में। भारतीय शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अशरफ घनी। किस बैंक ने एक डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड शुरू किया है? लोन इन सेकंड ये शुरू किया है यस बैंक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने मानवाधिकारों पर COVID-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठन किया है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? इस समिति का नेतृत्व करेंगे डॉक्टर के एस रेड्डी। और NHRC का चेयरमैन है जस्टिस एच एल दत्तू। किस देश ने साबित रॉकेट का उपयोग करके नए उपग्रह ओफेक 16 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है इसराइल ने। और आप ये देख सकते हैं इसराइल का मैप। इसराइल का कैपिटल है जेरूसलेम, वहाँ करेंसी है सेकेल, वहाँ के प्रेसिडेंट है रियोविन रिवेलिन और पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। और हमें इसराइल के एम्बेसडर भी याद रखने हैं और ये है संजीव कुमार सिंगला। और कुछ ही ऐसे गिने चुने देश है जिनके हम लोग को एम्बेसडर याद रखने हैं। मैं अपने वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट है उनका अभ्यास करवाता रहूंगा। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत की पहली NPNT शिकायत ड्रोन का सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो ये शुरू किया है इस ड्रोन का क्विडिच इनोवेशन लैब्स और एस्टेरिया एरोस्पेस ने। तो इसका आंसर है बोथ। और NPNT फुल फॉर्म है नो परमिशन नो टेक ऑफ। किस IIT ने यूनिसेवर
कीटाणु शोधन बॉक्स को स्टरलाइट पर्सनल बिलोंगिंग्स में विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की। भारत का 66वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये बना है जी आकाश, ये बने हैं जी आकाश। अब मैं आपका एक साल में जितने भी ग्रैंड मास्टर बने हैं उन सभी के नाम बताता हूँ। 65वें बने हैं रौनक साधवानी, पृथु गुप्ता बने हैं 64वें और ग्रीस कौशक है 63वें। और फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लॉजैन, लॉजैन। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है उर्जित पटेल ने, और ये यहाँ पे आप ये किताब देख सकते हैं। और इस बुक के बारे में थोड़ी आपको जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो इस बुक में उन्होंने 9R की बात कही है। तो ये 9R क्या है? ये 9R है रिफ्यूज, रिथिंक, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश, रीमैन्युफैक्चर, रीपर्पस, रिसाइकल, रिकवर। तो ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फिर से। गेटिंग कॉम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, प्रतिस्पर्धी होना भारत के लिए एक प्रैक्टिशनर गाइड किसने लिखी है? ये लिखी है आरसी भार्गव ने, आरसी भार्गव ने। और ये चेयरमैन है मारुति सुजुकी के। और अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड जूनोसिस डे, वर्ल्ड जूनोसिस डे हम लोग मनाते हैं 6 जुलाई को। ये दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं लुईस पाश्चर की याद में, क्योंकि 6 जुलाई 1885 के दिन ही इन्होंने रेबीज वायरस की वैक्सीन तैयार की थी लुईस पाश्चर ने। और हम लोग तीसरा जीएसटी डे मनाए हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।